खुशी के आंसू हैं ये, तो उसमें ये स्वाभाविक है कि आंसू आना। तो हे एवरीवन, यहाँ पे हम होंडा के शोरूम आ चुके हैं और कई साल बाद हम स्कूटी निकलवाने आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। और यहाँ पे अंदर हस्बैंड जा चुके हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो पहले इस शोरूम से मेरी स्कूटी निकाली जा रही है और अंदर मैं दिखा रही हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ पे साउंड शोर हो रहा है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे हैं। गाड़ी हम लोग को लगता है आधे घंटे लग जाएगा, आधे घंटे के अंदर ही, आधे घंटे के अंदर। हाँ तो आधे घंटे फास्ट हो रहा है यहाँ की शादी, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो फाइनली यहाँ पे अब की बार ये जो गिफ्ट है ये कहीं ना कहीं किसकी साइड से है। इस टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है, ज़्यादातर हम ही लोगों को गिफ्ट देते रहते हैं। पति देव क्यों? हाँ तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि ना हमेशा जब भी देखे ये हमेशा हमारी दुल्हन जो है वो हमेशा हमको गिफ्ट किया करती थी। कभी ना कभी जाते थे टाइम बे टाइम, जब भी कभी कोई भी मौका मिलता था तो हमको खरीद के ला के दे देती थी। तो हमेशा सोचते थे मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो। तो और आपको मैं बता दूं, इसमें कॉम्प्लीमेंट दोनों लोगों को है। हम आपको बताएं, इसमें तेजस की आईडी आप जानते होंगे, तेजस्वी ऑफिशियल के नाम से चैनल चलता है। और मैं आपको बता दूं, तेजस ने कभी भी उस अकाउंट का बैलेंस कभी नहीं निकाला, मतलब 1.5 साल के चैनल से आज तक उस अकाउंट से कभी भी पैसे नहीं निकले, एक रुपए नहीं छुए। तो फर्स्ट टाइम इन दोनों लोग का डिसीज़न ये हुआ कि अब की बार कुछ पैसे निकाले जाएंगे और केवल वो मम्मी के लिए, स्कूटी निकालने के लिए। क्यों तेजस, क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मतलब हम लोग पास एक स्कूटी और थी और वो थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जाती थी बीच बीच में, तो मम्मी को दिक्कत होती थी कहीं आने जाने में, तो डैड का सहारा लेना पड़ता था। और तो इसलिए हमने डैड ने एक प्लान बनाया कि मम्मी की स्कूटी निकाली जाए ना। मम्मी सरप्राइज प्लान इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये हम हर जगह घुसे रहते हैं, कहीं लेके हम कहीं जाते हैं ना तो ये लेके जरूर जाते हैं इनको, तो इसलिए सरप्राइज नहीं हो पाया। नहीं इनको सरप्राइज देते, फिलहाल ये आ गए तो सरप्राइज का भांडा फोड़ हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे डैड कर रहे हैं साइन, फाइनल साइन हो गया। और यहाँ मम्मी की खुशी बंद ही नहीं हो पा रही, कितनी ज़्यादा खुशी है। इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी, अभी बहुत काम है। मैं सोची बस जल्दी जल्दी स्कूटी के डॉक्यूमेंट और घर पहुँचे, बस फॉर्मेलिटी भी। तो अभी चलते हैं, मैं आप दिखाते हैं कि कौन सी स्कूटी पसंद की है। काफ़ी कंफ्यूजन थी इसके अंदर, जैसे शोरूम के अंदर ये घुसी हैं इतने कलर दिखा दिए उन्होंने, भैया ने कहा कि इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, तो कलर को देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं ये। लेकिन हम आपको बताएंगे कौन सा कलर पसंद किए हैं क्या नहीं है, अभी आपको दिखाते हैं वीडियो में। चलान है गाड़ी का, ये रिसीविंग है जो आपने कैसे जमा किया, ये बीमा है, तो फाइनली स्कूटी यहाँ से निकल गई और तेजस और शौर्य लेके स्कूटी घर जा रहे हैं। बच्चों को शौक ज़्यादा होता है गाड़ी चलाने का, दोनों के दोनों चला लेते हैं। तो बहरहाल उसमें तेल ना, वो देखिए, ये देखो पेट्रोल पंप पे दिख रहे होंगे दोनों लोग, ये तेजस शौर्य चल रहे हैं, चलो चलो। और इन लोग स्कूटी पे, हमने कहा तेल भरवा लें जैसे तेल होना चाहिए गाड़ी पे। तो बच्चे आगे आगे, हम लोग कार से पीछे पीछे। और बड़ी खुशी होती है यार कि जब आप है, बहुत साधारण सी चीज़ है मगर बस ये होता है ना कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई कोई चीज़ खरीदते हो ना, तो वो एक अलग नेक्स्ट लेवल की होती है। और मुझे मतलब मैं हर चीज़, कभी भी मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ ना, तो एक बार मैं भावुकता आती है कि यार भगवान आप इस लायक मुझे बनाए कि आज मैं इस सब चीज़ों को खरीद पा रही, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मगर मुझे होता है ये चीज़ होता है कि हो गया। बहरहाल अभी घर पर चलते हैं, लेट हो रहे हैं हम लोग, काफ़ी शाम हो चुकी है और मेरा रोने की आदत कब जाएगी। ये खुशी के आंसू हैं, ये रोने की आदत नहीं, कुछ ऐसा काम होता है ना लाइफ में, ऐसी चीजें हो जाती हैं जब आदमी खूब मेहनत किया रहता है, कुछ चीजें होते हैं उसके बाद उसको कुछ कोई चीज अचीव करता है ना, तो वो आंख से आंसू आना स्वाभाविक है, वो हर इंसान के अंदर आएगा जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा और कुछ चीज अपने जीवन में हमेशा कोई चीज करेगा, तो उसमें ये स्वाभाविक है कि आंसू आना। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मेहनत है इसलिए आ रहे हैं, और रोना नहीं है तो खुश रहना है। अभी हम लोग को बहुत सारी मेहनत करी, बहुत आगे जाना है। हाँ मुझे बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है, ठहरना नहीं है, कुछ भी करना है तो ठहरना नहीं है और मेहनत करती ही जाना है कुछ भी करके। बहुत खुशी हो रही है, बस घर पे पहुँचेंगे, थोड़ा सा पूजा वूजा करनी पड़ेगी गाड़ी की, तो घर पे फटाफट पहुँचते हैं। यहाँ बैठी हुई है किसी प्लेट में, बात ही दे वो दे दो ना, तो थोड़ा सा थोड़ा जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है वैसे।
हाँ, और यहाँ पे मम्मा जा रही हैं करने पूजा। मम्मी आप लोग पहले स्वास्तिक बनाएंगे ना? हाँ, स्वास्तिक बना करके अक्षत, अक्षत नहीं, स्वास्तिक बनता है इसमें, केवल स्वास्तिक, स्वास्तिक और अक्षत से अक्षत शुभ होता और जल की धार दे दिया जाता। प्रीति मीठे धराओ तुम थोड़ा सा। और दिया से वो आरती उतारी आती ना, ये लो, ये लो, बहुत तेज हवा चल रही, ये लो इसका, ये हवा बहुत ज्यादा चल रही है, हवा ना। हाँ, तो वो ऐसे टीका उका कर लो, हवा चले ना, नहीं जल पाएगा ना, इससे कर लेते हैं। हाँ, दो बत्ती से बहुत मोटा है, थोड़ा आधा कर लो, छोटी मम्मी गाय। चलो ये शुभ है। गौ माता सामने बीच बीच में बनाना। जय गणेश जय नमः। ये बिंदी बिंदी, एक दो तीन चार, हाँ ये तो उधर भी लगेगा ना। दोनों साइड रहता है। वाओ, मजा आ गई, हो गई गाड़ी की पूजा। जय गणेश जय नमः। ओ क्या है ये, भगवान जी पास रखेंगे ना। तीन राउंड और टायर पड़ा तो बढ़िया था मजा। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। चले है ना, इसको पेड़ पे डाल देना किसी, हाँ तो वहीं पेड़ कहीं किसी भी पेड़ पे डाल, कहीं पे डाल, आगे पेड़ में डाल दो, ले जाओ उधर। ये ब्लॉग का भी एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच, आज मैं और मेरा परिवार जो भी कुछ है आप लोग के प्यार और सपोर्ट से आज हमारे सपने भी जो पूरे हो रहे हैं वो आप लोगों के आशीर्वाद और महादेव की कृपा के कारण ही पूरे हो रहे हैं। तो मैं सारा श्रेय आप लोगों को और महादेव को ही देती हूँ। और इस ब्लॉग की भी एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।